पकोड़े भी आ गए, पकोड़े। गुड मॉर्निंग, नींद आ गई क्या? अच्छे से, एकदम अच्छे से, इतनी जल्दी सोए फिर भी आ गए। फिर भी आ गए, जंगल में आती है ऐसी नींद, और कहाँ पे आती है ना। सब लोग हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि अभी हमें मॉर्निंग सफारी में जाना है। यहाँ पे पानी की डंकी है, यहाँ पे हमने अपना मुंह धोया, ये देखिए कल्पेश मुंह धो रहे हैं। वहाँ पे हमारी मॉर्निंग टी रेडी है, थोड़ा नाश्ता करेंगे, एक दो बिस्किट खा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सफारी को। चिप मंगवाई है, चिप्सी वो आ जाएगी, उसके बाद हम सफारी में जाएंगे। तो आज तो अलग ही फील रहा मॉर्निंग का, सबको नींद भी अच्छी आ गई बिल्कुल। ये देखिए पूरा जंगल है, जंगल के बीच में हम हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। मॉर्निंग, कैसी रही जंगल वाली रात? जंगली रात अच्छी रही? फेंसिंग के अंदर जंगली रात नहीं होता। नहीं होती थी, बाहर तो होता है। उसको नहीं पता है ना फेंसिंग का है। नींद आ गई थी? बस बढ़िया। ऐसे देखिए, ऐसे फॉरेस्ट में नींद। चाय चार चाय और दे दो। तो अब हम लोग सफारी के लिए रेडी हो गए हैं। दो जिप्सी आ गई है और हमें आगे जा रहे हैं। दुआ करो आज मिल जाए टाइगर हमें मिल जाएगा ना। वन देवी की जय। पेड़ दिख रहा है उसको, ये गम ट्री है जो खाने में गूंद यूज होता है, वही वाला गम ट्री है। और रात को ये चमकता है, इसको घोस्ट ट्री भी बोलते हैं। रेडियम की तरह चमकता है, कभी लाल हो जाता है, कभी थोड़ा हल्का सा हरा और वाइट, उस तरह से ये चमकता है इसलिए उसको घोस्ट ट्री बोलते हैं। हम लोग एक जगह पे पहुंचे हैं जहां से ये जो सामने दिख रहा है मचान, उसके ऊपर चढ़ेंगे। गाइड भैया बता रहे हैं वहां से व्यू बहुत अच्छा है, सब लोग वहां जा रहे हैं। के ऊपर हम चढ़ गए एक बार इस तरफ, पूरा पैनोरामिक व्यू आप देखिए, डेंस फॉरेस्ट है सारा, पूरा फॉरेस्ट है। ये देखिए कितना घना जंगल है। तो दोस्तों आखिरकार इस खूबसूरत जंगल में दो दिन बिना बिताने के बाद हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे हम ठहरे, दो दिन रहे,
हमने यहाँ जंगल सफारी की, हमने यहाँ जंगल वॉक किया, मैंने यहाँ बर्ड वॉचिंग खूब एंजॉय किया, बहुत सारे बर्ड्स भी मुझे मिले। लेकिन क्या करें, हमें यहाँ से आगे ही जाना है। तो अभी हम सब लोग इस जंगल को छोड़ के, सतपुरा टाइगर रिजर्व का ये जो गेट है इसको छोड़ के, कैंपिंग वाली जगह जो कोर जंगल में, कोर जंगल में नहीं, बफर जोन में हम कैंपिंग कर रहे थे, वो जगह छोड़ के आगे जा रहे हैं। इसी को ट्रैवलर कहते हैं, वो कहीं पे रुकते नहीं, प्रवासी ट्रैवलर जो भी आप बोलो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह आगे बढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि जिंदगी का हर एक पल बहता जाता है, उसी तरह हम भी प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह बस आगे जाते ही रहते हैं। क्या कहना है आपके इसके बारे में आपका? और दोस्तों, इसी का नाम है जिंदगी। पल पल एंजॉय करो, आगे बढ़ो अपने साथियों के साथ। जैसे हमारे साथी थे तीन, हम चारों चार इस बाहर जाने के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे फाल्गुनी ने कहा, हमें बहुत मज़ा आया, कैंपिंग की, जीप सफारी की, ट्रैकिंग किया, बर्ड वॉचिंग किया, बर्ड फोटोग्राफी की। और अब हम जा रहे हैं हमारे आगे स्थान पर, जिसका नाम हम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बने रहिए वो जगह जानने के लिए, क्योंकि रास्ता भी बहुत इतना ही खूबसूरत होगा उस जगह जाने का। देखिए कैसे कैसे जंगल से, कौन से रास्ते से हम कल आए, ये देखिए। कल जब हम यहाँ से निकले थे तो कीचड़ था जबरदस्त, आज थोड़ा सूख गया है, कल बारिश भी नहीं हुई, आज बारिश भी नहीं हुई है सुबह। जैसे आप देख रहे हैं हमारे आगे जो गाड़ी है वो अपना सेठी साहब की है, उनसे आगे है कल्पेश जी की, और सबसे आगे है डॉक्टर कुमार की। तो ये पूरा कॉन्वॉय एक साथ चल रहा है, कच्ची सड़क है, सिकड़ी सड़क है, मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन मज़ा ही कुछ और है। कमाल तो सेठी साहब ने कर दिया, जब हम आ रहे थे तब बारिश हो गई थी, कई जगह कीचड़ था, लेकिन उन्होंने एक बहादुर सिपाही की तरह अपनी गाड़ी निकाली है, हमें कहीं भी उनकी गाड़ी खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बागड़ा बफर जोन से बाहर निकल रहे हैं, फाइनल बाय बाय बागड़ा बफर जोन। मुस्कुराइए, आप मंचमढ़ी में हैं। क्या बोलोगे आप हमारे फ्रेंड्स को, दर्शकों को, बोलो कुछ। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, एंड मैं जरूर एक्सपीरियंस करना चाहूंगा आपके जो ट्रिप एंड टूर्स है, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे वीडियो पे जब भी यहाँ का आए पंचमढ़ी का, तो आप उसपे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। पंचमढ़ी पहुँच गए और यहाँ पे चाय कॉफी के लिए रुके, और कब है और जो रेस्टोरेंट का नाम है बड़ा दिलचस्प है, या ये सेकंड वाइफ ने किया है ये रेस्टोरेंट, नहीं या फर्स्ट वाले ने बनाया है, क्या है, या पतिदेव ने बनाया है? हाँ जी, मेंशन कर लीजिए। श्योर श्योर, ये आपके वाली है? ये मेरी है और ये भैया की। आप भी घूमते हैं बहुत? हाँ। न्यू मिर्ची रेस्टोरेंट भैया बहुत फेमस है, आप पंचमढ़ी आइए तो यहाँ पे जरूर आइए। देखिए, जैसे ही पंचमढ़ी आप एंटर करते हैं,
तभी ये रेस्टोरेंट आ जाता है। कड़ियल दूध हल्दी वाला है कि केसर वाला? केसर वाला। केसर वाला, केसर वाला। वैसे हमने कॉफी ऑर्डर की थी वो भी आ गई। चलो दोनों साथ में पियेंगे और केला दे दो। हम बादाम का दूध देख गए तो फिर वो भी ऑर्डर कर दिया तो दोनों एक साथ आ गई। अच्छा दूसरी बात बताओ, कुमार जी को बुलाओ। ये कॉफी और ये दूध। देखो उनको मालूम होता है कि ये लोग घूम के नाचते चले जाएंगे। कॉफी अच्छी और उनको ये भी पता है। पकोड़े भी आ गए, पकोड़े। आज हमने होटल रख लिया है। ये जो होटल है मिस्टी मीडल्स, यहाँ पे हम पहुंचे हैं और यहीं पे हम रुकेंगे। ये देखिए होटल मिस्टी मीडल्स। आज हम कैंपिंग नहीं करेंगे पंचमढ़ी में। हम डिनर के लिए निकले हैं। देखिए यहाँ पंचमढ़ी में बहुत तरह की एकदम रेस्टोरेंट उपलब्ध है। हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, कुछ नया ट्राई करते हैं। होटल अभी ऑफ सीजन है तो लोग बुला रहे हैं सामने से कि रूम चाहिए, डिनर कर लो, डिनर रेडी है। यहाँ पे गुजराती ज़्यादा आते होंगे इसलिए देखिए गुजराती थाली सिर्फ 160 रुपये में, ये बंद है। अब हम खाएंगे भी नहीं क्योंकि बहुत गुजराती खाया हमने। गया रेस्टोरेंट राहुल्स पिज़्ज़ा एंड मोर, ब्राउनी शेक्स, कोल्ड कॉफ़ी, छोले कुलचे, पाव भाजी, मैगी। यहाँ पे महाराष्ट्रीयन थाली ओनली फॉर 70 रुपीज़। वहाँ पे है पंजाबी थाली ओनली फॉर 145। गुजराती थाली दर गुजराती थाली फॉर 165। तो देखिए आपको यहाँ पे इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और बड़े महंगे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। देखिए ये है साउथ इंडियन कॉफ़ी हाउस, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, चाइनीज, बंगाली सब कुछ अवेलेबल है। अभी फूड कोर्ट जैसा दिख रहा है, जो बुक्कड़ गली होती है, जैसे हर सिटी में कोई ना कोई एक गली रहती है जहाँ पे सब तरह का खाना मिलता है। यहाँ भी एक छोटा सा फूड जॉइंट है, यहाँ पे पिज्ज़ा मिल रहा है, चाइनीज मिल रहा है, बर्गर, डिजर्ट्स, साउथ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, पराठा एंड एवरीथिंग। We'll try some pizza, maybe Chinese. कितने दिनों से खाया नहीं है पिज्जा। दिस वन इज पिज्जा पैराडाइज एंड सिग्नेचर पिज्जा आंटी एंड उनका बिल है चिकन डोमिनेटर पिज्जा। राइट, फाइनल किया जाए, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। अंकल बोले नहीं, ठीक है ऑप्शन दी है ये फाइनल। तो देख ले मोमोज आ गया।